So good afternoon, everyone. Today we will discuss about the hand washing. So you know about the what is the meaning of hand washing? Yes, what is the meaning? Hand washing, haath dhone. Haath dhone. Okay. But I will tell you what is the particular meaning of. So hand washing, this is a way of cleaning one's hand that substantially reduce potential pathogens. हैंड वॉश करना एक अलग मैटर है, लेकिन हैंड वॉशिंग जब हम करते हैं तो हम रिड्यूस क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पोटेंशियल पैथोजेंस का मतलब वो चीज़ होती है, एक तो हमारे हाथ में लगे होते हैं जर्म्स. पोटेंशियल का मतलब एक होता है एक्चुअल पैथोजेंस, एक होते हैं पोटेंशियल पैथोजेंस. एक्चुअल मीन्स जो हमारे हाथ में जर्म्स लगे हुए हैं, और पोटेंशियल मतलब कि वो जर्म्स जो आगे जाकर हमारी डिजीज को बढ़ाते हैं. ठीक है, so this is the way of cleaning one's hand that substantially reduce potential pathogens, जिसको हम harmful microorganism, इतना तो पता होता है ना कि organism होते हैं, है ना. so on the hands, हमारे हाथ के ऊपर. so hand hygiene is a primary measure for reducing the risk of infection. so hand hygiene जो होती है ये सबसे पहला measurement है जिसके साथ हम अपनी infection को क्या कर सकते हैं, reduce कर सकते हैं. so there are the several steps of the hand washing. so I will tell you. फर्स्ट ऑफ ऑल, रब पाम टू पाम. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, रब पाम टू पाम. सो ये हमारे पाम्स हैं, फर्स्ट इनको रब करना है. ठीक है, हमने रनिंग वाटर के अंदर हाथ धोए. ठीक है, उसके बाद सोप लगाया, उसके बाद सबसे पहला स्टेप है हमने पाम टू पाम क्या किया, रब किया. फर्स्ट स्टेप का रब. ओके, सेकेंड है फिंगर इंटरलेस्ड विद द हेल्प ऑफ पाम. तो ये हमारी जो फिंगर्स हैं इसको हम इंटरलेस्ड करते हैं. ये जब हम एक दूसरे के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं, इसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं. हमने फिंगर्स को क्या किया, इंटरलॉक किया, ताकि कि हमारे अंदर वाले भी जो जर्म्स हैं ये भी हमारे कवर अप हो जाएं. थर्ड है राजे, रब राइट पाम ओवर द लेफ्ट डोर्सम एंड वाइस वर्सा. कोई भी हाथ ले लो, चाहे राइट पाम चाहे लेफ्ट पाम, जैसे हमारा राइट पाम है ओवर द लेफ्ट डोर्सम, ये हमारा पाम है, इसको बोलते हैं डोर्सम एरिया. ये वाले पाम को इस डोर्सम एरिया के ऊपर रखकर ये ऊपर वाला पार्ट भी क्लीन हुआ और हमारा इंटरलॉकिंग वाला पार्ट भी क्लीन हुआ. तो सेम एज अ वाइस वर्सा, अब ये वाला हाथ डोर्सम पार्ट, इसका हमारा पाम. तो ऐसे करके हमने इंटरलॉक करके इसको जब हमने क्लीन किया तो हमारा ये वाला भी डोर्सम क्लीन हो गया. अब ये हाथ भी क्लीन हो गए, ये वाले भी हो गए, ये वाले इंटरलॉकिंग भी दोनों कंप्लीट हो गई. आफ्टर दैट इंटरलॉक फिंगर्स एंड रब बैक फिंगर्स. अब इंटरलॉक करके बैक फिंगर्स को, ठीक है, ये पीछे वाली फिंगर्स हैं, इसको भी हमने कवर अप करना है. सेम वाइस वर्सा इस साइड, तो हमारी जो बैक साइड की फिंगर्स हैं वो भी हमारी क्या होगी, अब क्लीन हो चुकी हैं. आफ्टर दैट आर रोटेशनल रबिंग ऑफ थम्स. अब हमारे थम्स रह गए, रोटेशनल रब करना है. ठीक है, इस साइड भी रोटेशनल. ठीक है, क्लियर है ये वाला स्टेप. और लास्ट है हमारा राजे, रब फिंगर्स टिप ऑफ बोथ हैंड्स. अब फिंगर टिप्स रह गए, हैंड्स को ऐसे करके फिंगर टिप्स करके क्लीन कर लिए. अब अगर हम ये स्टेप फॉलो करते हैं तो हमारे हैंड प्रॉपर तरीके के साथ क्लीन हो जाते हैं. ये नहीं कि हमने 10 मिनट लगाने हैं कि 15 मिनट लगाने हैं, स्टेप फॉलो करने चाहिए. सबसे पहले पाम टू पाम, पाम एंड डोर्सल हैंड उन सेम ऐसी, फिर इंटरलॉकिंग फिंगर्स. ठीक है, थंब हमारा हो गया. ठीक है, और हमारी फिंगर टिप्स हो गई. तो सिर्फ एक दो मिनट में हम इसको हैंड वॉश कर सकते हैं. करना क्यों जरूरी है कि हम क्या करते हैं, चाहे आप यहाँ से भी जाते हो, कुछ खाते हो, आप हाथ नहीं धोते, ये तो पता ही होता है. ठीक है, कहाँ से कहीं से आते हैं, कोई चीज़ मिलने को हमने मिली वो हमने खा ली, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे जो जर्म्स हैं वो आगे जाकर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. चाहे वो हमने चाइल्ड केयर करना है, ठीक है, जैसे नैनी में आपको पता है कि एक चाइल्ड केयर कोर्स है, एक जुरियाट्रिक केयर कोर्स है. चाहे वो चाइल्ड केयर कोर्स है, अब बच्चे को हाथ लगाना, जब बच्चा न्यू बॉर्न एक बेबी बॉर्न होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हैंड वॉश करके इसको हाथ लगाना. क्यों? क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी पावर बड़ी कम होती है, कमज़ोर होती है, क्योंकि उसके मसल्स जो अभी नहीं बने होते. ठीक है, तो हमने उसको टच करने से पहले, टच करने के बाद, चाहे हमने हॉस्पिटलाइज्ड है कोई पेशेंट है उसको भी टच करना है, तो हमने हाथ सैनिटाइज करके, हैंड प्रॉपर क्लीन करके उसको टच करना है. सो हैव यू ऑल क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द हैंड वॉशिंग एंड स्टेप्स ऑफ द हैंड वॉशिंग. थैंक यू.